भारतीय किसान संघ कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और रामलीला मैदान में किसान एकत्रित हुए हैं और कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है। एक बार तस्वीरें आपको रामलीला मैदान की दिखा देते हैं। आप मंच की तस्वीर देख पाएंगे कि जहां पर जो है गर्जना रैली को संबोधित किया जा रहा है और दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीर देखेंगे यहां पर बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से किसान पहुंचे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि 50 से 55 हजार तक जो किसान है वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कई मांग है जिनको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान गर्जना रैली नाम दिया गया है इस विरोध प्रदर्शन को। बातचीत भी कर लेते हैं कि किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किसान कर रहे हैं, क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग एकजुट हुए हैं। आज भारतीय किसान संघ ये गर्जना रैली करके सरकार को चेतावनी देने आया है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए। ये जो MSP है MSP तर्कसंगत नहीं है, किसानों के लिए अधिक लाभकारी नहीं है। किसान चाहते हैं कि उसे लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और उस लागत में किसान के परिवार की जो रात दिन किसान खेत में काम करता है उसकी पत्नी से लेकर बच्चों से लेकर वो पूरी उसकी लागत और उसकी मजदूरी भी उसमें जोड़ करके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार दे। इसके साथ साथ जो सरकार ने 18% GST कृषि यंत्रों पर उर्वरकों पर जो लगाई है वो समाप्त कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष जो लागत किसान की बढ़ रही है उसके अनुसार जो भारत सरकार किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है वो किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे किसान का भला हो सके। अलग अलग राज्यों में जो किसानों की समस्या है उसको लेकर भी आप लोग गर्जना रैली आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश भर के किसान जुटे हैं और अलग अलग किसानों के गन्ना की भी समस्या है। गन्ना का जो मूल्य है वो मूल्य भी मिलना चाहिए। गन्ने का जिस तरह से लागत बढ़ रही है लागत के साथ साथ गन्ने का भी समर्थन मूल्य बढ़ा देना चाहिए सरकार को। ऐसा पूरे देश भर के किसान जुट करके अलग अलग क्षेत्रों में समस्या अलग अलग हो सकती है लेकिन किसान संघ पूरी आज गर्जना रैली करके सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है और निश्चित रूप से उम्मीद है कि सरकार किसानों की सुनेगी। शुक्रिया। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें रामलीला मैदान की जहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं और किसान गर्जना रैली की जा रही है। कई मांग है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जब तक सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से शाम 6 बजे तक इजाजत दी गई है और दावा किसानों का यही है कि अलग अलग राज्य से दूर दराज से यहां पर इकट्ठा हुए हैं और कई मांग है जिसको लेकर किसान गर्जना रैली रामलीला मैदान में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।